This is tenses lesson number 11. इस लेसन में हम सीखेंगे future simple tense. Future simple tense जिसकी पहचान है ga, gi, ge. और इसका formula है past will plus first form plus target. यानी past के बाद और first form से पहले हम इसमें helping verb will use करते हैं. और उसके बाद जो action किया जा रहा है उसकी first form and then target. जैसे ये एक सेंटेंस है, अली इस साल आर्मी ज्वाइन करेगा. इस सेंटेंस के लास्ट में गा आ रहा है और इसमें ऐसे एक्शन की बात की जा रही है जो अभी हुआ तो नहीं लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में होगा. यानी फ्यूचर सिंपल टेंस में ऐसे एक्शंस की बात की जाती है जिनकी स्टार्टिंग फ्यूचर में यानी आने वाले वक्त में होती है और उनकी एंडिंग भी आने वाले वक्त में ही होगी. जैसे Ali will join army next year. इसमें Ali boss है और boss के साथ helping verb will use किया जा रहा है और उसके बाद जो action है उसकी first form join. Ali will join army. Ali army join करेगा next year. And मैं आपसे lunch के बाद मिलूंगा. I will see you. इसमें I boss है, will helping verb and first form action की see. I will see you, मैं आपसे मिलूंगा after lunch, lunch के बाद. And मैं कॉलेज में दाखिला लूंगा. I will get admission in college. इसमें I boss है, will helping verb और get admission action की first form. इसी तरह इसके interrogative sentences में हम helping verb will को boss से पहले ले आते हैं. जैसे will you help me? क्या तुम मेरी मदद करोगे? Will you read this book? क्या तुम इस किताब को पढ़ोगे? Will Sarah call me tomorrow? या Sarah मुझे कल call करेगी? इन सभी sentences में हम सवाल कर रहे हैं ऐसे action के बारे में जो आने वाले वक्त में होगा, यानी जो अभी हुआ नहीं. So हम ऐसे sentences के शुरू में will लिखते और बोलते हैं. और उसके बाद जो boss है, किसी का नाम आ रहा है, या he, she, it, you, they use किया जाएगा. और उसके बाद जिस एक्शन का जिक्र किया जा रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म, जैसे विल यू हेल्प, विल यू रीड, विल सारा कॉल. और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में हम विल के बाद नॉट लगा देते हैं. जैसे टीचर विल नॉट लेट स्टूडेंट्स डू दिस. टीचर स्टूडेंट्स को इजाजत नहीं देगा ऐसा करने की. इसमें बॉस के बाद विल नॉट लगा दिया गया है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म एक्शन किया गया लेट. एंड ही विल नॉट जॉइन दिस फील्ड. वो इस फील्ड को ज्वाइन नहीं करेगा. एंड आई वोंट कम टू द पार्टी. मैं पार्टी में नहीं आऊंगा. विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में वोंट कहा जाता है. टीचर वोंट लेट स्टूडेंट्स, ही वोंट ज्वाइन एंड आई वोंट कम टू द पार्टी.